हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट अनब्लॉक्ड। अगस्त का महीना हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे मेंबर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। स्टार्टिंग अगस्त की काफ़ी अच्छी हुई है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमने यूट्यूब पे भी डिस्कस किए थे और जो हमने हमारे प्राइम मेंबर्स को भी दिए थे, उन सब ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो आज इस वीडियो में हम तीन ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं पिछले लास्ट वीक में। तो क्या अभी हम उसमें पोजिशन बना सकते हैं या फिर हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, ये सारा कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला जो स्टॉक है वो है सुबेक्स। सुबेक्स का शेयर प्राइस पिछले 5 से 6 दिन में ही 70% से ज़्यादा बढ़ा है। मतलब 70% से ज़्यादा इंक्रीमेंट हमें सुबेक्स के शेयर प्राइस में देखने को मिला है। लास्ट वीक के स्टार्टिंग में सुबेक्स का शेयर प्राइस 25 से 27 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा था और सेम वीक में कंपनी ने अपना हाई बनाया था 45 रुपीज़ का और क्लोजिंग दिया था 42 रुपीज़ के करीब। दोस्तों, सुबेक्स एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका रिसेंटली ही रिलायंस जियो के साथ एक डील हुआ है, जिस कारण से सुबेक्स के शेयर प्राइस में हमें ये तेज़ी देखने को मिल रही है। एक वीक में 60 से 70% तक पड़ना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। ये बस एक न्यूज़ बेस के कारण हमें ये इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ये फोमो का नतीजा हो सकता है। इसीलिए आप इसमें अभी एंट्री करने से बचें। अगर शेयर प्राइस थोड़ा करेक्ट होता है, थोड़ा स्टेबल होता है, फिर आप सोच सकते हैं कि आपको इसमें एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस कारण से अभी हमें इस शेयर से बचना चाहिए। नेक्स्ट जो शेयर हमारे लिस्ट में है वो है नज़ारा टेक्नोलॉजी। पिछले एक वीक में नज़ारा में भी हमें काफ़ी अच्छा एक इंक्रीमेंट देखने को मिला। अगर हम वॉल्यूम की ओर नज़र डालें तो वॉल्यूम में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ था। लास्ट वीक कंपनी का शेयर प्राइस 550 से रैली देना स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट 720 टच किया था, लेकिन अच्छा क्लोजिंग नहीं दिया और फिर एक हमें वीक देखने को मिला और कंपनी का शेयर प्राइस नीचे बंद हुआ। अगर नेक्स्ट हम MACD की बात करें तो MACD में भी हमें काफ़ी अच्छा एक क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, बट द थिंग इज़ कि क्रॉसओवर जो हुआ है वो अभी जीरो लाइन के नीचे हुआ है, तो इसमें भी अभी आपको वेट करना चाहिए, आपको जल्दीबाजी में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। एंड फाइनली आज का जो हमारा लास्ट शेयर है वो है स्पाइसजेट। स्पाइसजेट में भी पिछले शेयर्स के जैसा एक हाई वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का शेयर प्राइस 35 रुपीज़ लास्ट वीक टच किया था और 35 रुपीज़ से लेके ऑलमोस्ट 53 रुपीज़ तक गया था। स्पाइसजेट के शेयर में भी हमें MACD में क्रॉसओवर तो देखने को मिल रहा है, बट अगेन जीरो लाइन के नीचे क्रॉसओवर हो रहा है, तो इसमें भी हमें वेट करना चाहिए। अगर आप इन सब शेयर में अभी एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और जब भी आप एंट्री करते हैं आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ध्यान में रखना है और फिर जाके उसमें एंट्री करनी है। आज इस वीडियो में हमने तीन शेयर्स को डिस्कस किया है, सुबेक्स जो कि 70% तक बढ़ा है, स्पाइसजेट जो 30% से ऊपर है, और नज़ारा टेक्नोलॉजी जिसमें भी हमें 27% के करीब का एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अभी किसी भी स्टॉक में हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है, इसलिए आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। डेली कॉल्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा भी हेल्पफुल होगा, तो एक लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।